Hello, friends! It's me, Toshi, again from BC, Canada. I have this beautiful design for you guys today. It's one of my favorite knitting stitch. This is how it looks from the right side, and this is how it looks from the wrong side. So I have made it in two colors just to show you guys. Look, it's a beautiful pattern. So let's start. इट्स मल्टीपल ऑफ फोर प्लस थ्री एंड इट्स अ फोर रो डिजाइन सो लेट्स स्टार्ट शुरू करते हैं दोस्तों सो so, पहला फंदा हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे एंड देन निट वन एंड पर्ल वन निट वन and purl एंड वन सो दैट्स आउ वना कम्प्लीट और रो दोस्तों हमने एक फंदा उल्टा बुनना है एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा सो so, ऐसे ही हमने ये हमारी सिलाई पूरी की पूरी बुन लेनी है सो so, बहुत ही आसान है बेसिक स्टिचेस हम बस यूज़ कर रहे हैं इसमें सीधा उल्टा नेट एंड पर्ल तो बहुत ही आसानी से आप अलग अलग इसमें पैटर्न बना सकते सॉरी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो तो ज़रूर कोशिश करना और बनाना और हमें बताना फिर कि कैसा बना आपका प्रोजेक्ट तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है हमारी सेकंड रो तो सेकंड रो में हमने पहला फंदा ऐसे ही स्लिप कर लेना है फिर उल्टा बुनेंगे फिर सीधा फिर उल्टा एंड फिर सीधा अब धागा आगे आ गया जाएगा और हम थ्री स्टिचेस ऐसे स्लिप कर लेंगे हमारी लेफ्ट नीडल पर धागा पीछे जाएगा वही थ्री स्टिचेस हम स्लिप कर लेंगे वापस हमारी राइट right नीडल पर धागा फिर से आगे आएगा फिर एक उल्टा बुनेंगे एक सीधा बुनेंगे फिर उल्टा बुनेंगे फिर सीधा बुनेंगे, धागा आगे आएगा और फिर से हम तीन स्टिचेस लेफ्ट नीडल पर स्लिप कर लेंगे धागा फिर से पीछे जाएगा और तीनों स्टिचेस हम वापस राइट नीडल पर ले जाएंगे धागा फिर से आगे आएगा इस तरह दोस्तों हमने ये तीन स्टिचेस को तीन फंदों को एक साथ गांठ दे दी है जैसे एक एक साथ क्लस्टर कर दिया है तो फिर से नाउ विल पर्ल वन निट वन वन एंड निट वन यार्न फॉरवर्ड एंड वी गो ना स्लिप फर्स्ट थ्री स्टिचेस टू अर लेफ्ट नीडल जस्ट लाइक दिस यार्न विल गो एट द बैक and these three stitches we will slip back on the right needle yarn will come at front we will purl one knit one purl one and knit one yarn forward and we're going to slip these First three stitches to our left needle again. Yarn at the back, and we're gonna slip them back to right needle, all three stitches. Yarn forward, purl one, and knit one. There our second row, uri hogi hamari, to our third row. इसमें फिर हमने वही पहली रो की तरह पहला स्लिप कर लेना है देन वो विल जस्ट निट वन एंड पर्ल वन निट वन एंड पर्ल वन सो दैट्स हाउ वी आना कंप्लीट दिस रो अगेन सो वे गन्ना एक सीधा बुनेंगे उल्टा बुनेंगे फिर से सीधा बुनेंगे और उल्टा बुनेंगे सो so, ऐसे ही करते हुए हमने ये हमारी रो दोस्तों पूरी कर लेनी है और दोस्तों भूलना नहीं है सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना प्लीज आप ऐसे ही हमारे चैनल को बस सपोर्ट करते रहे हैं और मैं आपके लिए नए नए डिज़ाइन लेकर आती रहूंगी तो ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये पूरी कर ली है हमने अब हमारी फोर्थ और फाइनल जो इसकी डिज़ाइन की रो है वो हम वैसे ही पहला स्टिच स्लिप करेंगे जस्ट स्लिप द फर्स्ट स्टिच एंड देन पर्ल वन निट वन पर्ल वन निट वन पर्ल वन एंड निट वन So after seven stitches, yarn will come at front and we will slip first three stitches to our left needle again. Yarn will go at right back and we'll slip these three stitches back to right needle. Yarn will come forward. फिर सीधा बुनेंगे फिर उल्टा बुनेंगे फिर सीधा बुनेंगे धागा आगे आ जाएगा और फर्स्ट थ्री स्टिचेस हम फिर से अपनी लेफ्ट नीडल पर ले लेंगे दो एंड तीन धागा पीछे जाएगा और तीनों स्टिचेस को वापस हम राइट नीडल पर फिर से स्लिप कर लेंगे धागा फिर से आगे आ जाएगा तो अब एक उल्टा बुनेंगे एक सीधा बुनेंगे एक उल्टा बुनेंगे और फिर से एक सीधा बुनेंगे और धागा फिर से आगे आ जाएगा दोस्तों फिर उसी तरह हम स्लिप करेंगे जैसे पहले हमने किए एक दो तीन धागा फिर से पीछे जाएगा और तीनों स्टिचेस हम फिर वापस स्लिप कर लेंगे हमारी राइट नीडल पर धागा फिर से आगे आ जाएगा और लास्ट फोर स्टिचेस हम ऐसे ही उल्टा सीधा सीधा उल्टा सीधा ऐसे ही बस बुन लेंगे और ये हमारा पैटर्न ऐसे पूरा हो जाता है तो देखें दोस्तों ये हमारी सीधी साइड है कैसा दिखता है बहुत ही प्यारा बन के आया है वाइट पर भी तो सभी कलर्स पर ये काफी अच्छा दिखता है बहुत प्यारा लगता है सो देखें कैसे वाइट पर दिखता है और कैसे ये ऐसे ग्रीन पर और इस कलर पर तो बहुत ही प्यारा लगता है सो किसी भी कलर पर किसी भी प्रोजेक्ट पर ट्राई करें और हमें बताएं कि कैसा लगा है so until next time those take good care of yourself and your loved ones happy knitting